गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइए। आज हम बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क एंड देयर डिडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलिंग, फुल डिटेल्स, कॉन्सेप्ट टॉक, सब कुछ मिला के धमाकेदार सेशन। बस आखिरी तक आपका साथ चाहिए और मजे हो जाएंगे। और दिस इज द टाइम ऑफ सब्सक्राइब, जस्ट सब्सक्राइब नाउ, जस्ट बिगन। मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क में हम आपको बताते चले कि ये जो आईएस कोड है ना 1200/1974 Part 2 रीअफॉर्म्ड हुआ है 2017 में। अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। लेटेस्ट आईएस कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके डाउनलोड कीजिए, फिर अपडेट रही है। और ये जो है ना, ये मेथड, जो मेथड ऑफ मेजरमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो रोड पाइलिंग, बेल और टनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए अलग से इंडियन स्टैंडर्ड है, तो आपको वो अलग से देखना है, ठीक है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। कंक्रीट है तो इसका ऑर्डर होगा, मतलब रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? लेंथ, विड्थ और हाइट, थिकनेस, यही इसके ऑर्डर है रिकॉर्डिंग का। और लेंथ को नियरेस्ट 10 mm तक मेजर करेंगे जब तक स्पेसिफाइड ना हो, या फिर मतलब करना ही है 0.0012 decimal तक मीटर में मेजर करते हैं, दैट इज, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब बात आएगी थिकनेस ऑफ स्लैब की, तो वो 0.05 mm तक आपको इसको रिकॉर्ड करना है, नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट। तो ये चीज हो गई, एरिया को 0.01 square meter तक रिकॉर्ड करना है और वॉल्यूम को नियरेस्ट 0.01 cubic meter में। जैसे आपने हमेशा कंक्रीट को वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है और एक ऐसे बिल्डिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए सब चीजें। और कुछ ऐसे काम हैं जो सेपरेटली मेजर किए जाते हैं, जैसे पानी के अंदर हुआ, लिक्विड मड हुआ, अंडर फॉल पोजीशन, अंडर टाइड्स, जब टाइड्स हो तो लेवल और लो, हाई एंड लो वाटर टाइड्स को भी हम स्टेट करते हैं, और वर्क इन स्लो, इन सब चीजों को सेपरेटली मेजर करते हैं, इसको किसी के साथ क्लबिंग नहीं करते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है एज बिल्डिंग इंजीनियर। हमारी कुछ स्टेजिंग होती है ना, मतलब डॉटम लाइन मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे और उसके ऊपर, दो टाइप के स्टेज होते हैं, इनको अलग अलग सेपरेटली मेजर किए जाते हैं, एक दूसरे में इसको कवर नहीं किया जाता, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। और कैटेगरी होती है, एक्चुअली जनरली कंक्रीट में दो कैटेगरी होती है, प्रीकास्ट और कास्ट इन सिचू, और इन सबके अंदर पीसीसी भी हो सकता है, आरसीसी भी हो सकता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हो सकता है, तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है, तो इन सबको अलग अलग सेल भी कैप्ट सेपरेटली हमेशा अलग ही रखते हैं, इसको कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं करते। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो अनलेस अदरवाइज स्टेट, जब तक कहा ना जाए तब तक कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में ही मेजर करना है, और यदि कहीं पे स्टेटेड है कि भाई थिकनेस स्पेसिफाइड है तो फिर स्क्वायर मीटर में करना, नहीं तो क्यूबिक मीटर में करना, जब तक कहा नहीं जाए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए डिडक्शन नहीं किए जाते, जैसे हमने अभी लास्ट सेशन में प्लास्टर में देखा, और तो अभी हम वापस से वही बता रहे हैं कि 0.1 square meter की ओपनिंग होना कहीं पे स्पेसिफाइड, तो उसके लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 400/200 का एक ओपनिंग है कंक्रीट में कहीं पे भी, तो आप उसको ना कंक्रीट में कंसीडर रखिए, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो स्क्वायर मीटर में एरिया जो होता है, एरिया ओपनिंग अप टू 0.1 square meter, एरिया की ही बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम थिकनेस कुछ भी हो 0.08 square meter, तो इसको डिडक्ट नहीं कर देंगे। और जो कंक्रीटिंग के अंदर रेनफोर्समेंट जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, उसको भी हम डिडक्ट नहीं करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है भाई, ऐसा नहीं है, अंडरस्टूड है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी पता होता है, हम कुछ रिवाइज कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए अच्छा है। वॉल्यूम देखो, पाइप, कंडक्ट, सीटेड, इनके द्वारा 100 square centimeter तक क्रॉस सेक्शन एरिया यदि किसी का है, तो उसको भी हम डिटेक्ट नहीं करते। मतलब ये मान के चलो कि यदि किसी डाया 11 सेंटीमीटर का डाया का पाइप, और यदि वो कंक्रीट की बॉल में कभी ह्यूम पाइप के जैसे या कुछ भी कारण से डला हुआ है, या फिर आपको पाइप कंडक्ट के रूप में डला है, तो उसे डिडक्ट नहीं करेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और कुछ और भी है, स्मॉल वॉइड, सेडेड पोर्शन, कुछ और भी पोर्शन होंगे कि जहां पे कंक्रीट कम हो रहा होगा, ये जहां पे ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब है कि वहां पे कंक्रीट है नहीं,
तो भी हम उसको पूरा ही मेजर करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर तक कि क्रॉस सेक्शन में यदि ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पे तो हम उसको मेजर डिडक्शन नहीं करते इस चीज के लिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द कॉलम जनरली अब बात होगी भाई, जब मेंबर्स हैं कंक्रीट की बात हो रही तो मेंबर की ही बात होगी, और कॉलम के केस में कॉलम कैसे मेजर किया जाता है, तो टॉप ऑफ द स्लैब टू बॉटम ऑफ द स्लैब ये ही मेजर करने का तरीका है कॉलम का। इन केस ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लैट स्लैब, कई फ्लैट स्लैब होंगे तो उसमें यदि फ्लेयर है तो उसके लिए कॉलम सेल भी उसमें कॉलम में ही वो इंक्लूड होगा, स्लैब में नहीं होगा। स्लैब सेल भी मेजर सेपरेटली, स्लैब के साथ कुछ भी मेजर नहीं करते, स्लैब को सेपरेटली मेजर किया जाता है। अब कॉलम हो गया तो अब बात बीम की भी होगी। बीम में लेंथ की बात करेंगे तो फेस टू फेस ऑफ द कॉलम सेल इंक्लूड हॉन्चेस, यदि इसमें कहीं हॉन्चिंग भी है ना तो हॉन्चिंग को भी बीम में ही इंक्लूड करना है। इफ एनी बिटवीन कॉलम एंड बीम, बीम और कॉलम के बीच में यदि कहीं हॉन्चिंग है तो वो भी आपके बीम का ही पार्ट होगा। डेप्थ की बात करेंगे, जब बात डेप्थ की होगी तो द डेप्थ ऑफ द बीम शैल बी कैप्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लैब टू बॉटम ऑफ द बीम। बीम की डेप्थ की जब बात होगी तो बीम की डेप्थ में हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें स्लैब की, जैसे मान के सपोज दैट, मान के चलिए कि आपका बीम ना 300 का है जिसमें स्लैब ऑफ थिकनेस 125 की है, तो 175 ही डेप्थ ऑफ द बीम कहलाएगी, और इन केस डेप्थ ऑफ द बीम शैल बी मेजर फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लैब टू बॉटम ऑफ द बीम और टॉप ऑफ द स्लैब, और इनवर्ट बीम का केस होगा तो टॉप ऑफ द स्लैब टू टॉप ऑफ द बीम, ठीक है। स्लैब को इंक्लूड नहीं करते बीम को, ये हमें मेथड ऑफ मेजरमेंट में ध्यान रखना है कॉन्क्रीट के केस में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ छज्जा की बात आती है, तो जब कभी लेंटल के साथ छज्जा हो तो उसको सेंटर ऑफ द बेयरिंग नहीं जाएंगे, उसको बाहर बाहर वाला पार्ट ही छज्जा का पार्ट होगा, लेंटल वाला बीम अलग है। और जब रूफ एक्सटेंशन की बात होगी तो वहां पे आप सेंटर ऑफ द बीम से रूफ एक्सटेंशन को मेजर किया जाएगा, उसको आउटर ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट से नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब बात होगी आरसीसी प्रीकास्ट की, पीसीसी प्रीकास्ट की, तो जिस तरह से आपके बीओक्यू में मेंशन हो उस तरह से आपको मेजर करना है प्रीकास्ट का सेशन। और आई होप कि हमने मैक्सिमम चीज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट टू के हिसाब से डिस्कस की है, कवर की है, और अच्छा लगा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। टाटा बाय बाय।